हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बायोटिन के बेनिफिट्स, बायोटिन आपको सप्लीमेंट के तौर पर लेना चाहिए कि नहीं, एंड कौन कौन बायोटिन सप्लीमेंट्स ले सकता है, कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट रहेगा और उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि बायोटिन एक्चुअली है क्या। बायोटिन एक विटामिन है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, हेल्दी हेयर के लिए, नेल्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बायोटिन। अब इस बायोटिन को आप एक्सटर्नली अपने डाइट के थ्रू भी ले सकते हैं। काफ़ी रेयर लोगों को एक्सट्रीम बायोटिन डेफिशिएंसी हो सकती है, बट नॉर्मल जो बायोटिन डेफिशिएंसी है थोड़ा बहुत वो हर किसी को हो सकता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बायोटिन सप्लीमेंट्स लेना भूल जाते हैं या फिर बायोटिन रिच जो खाना होता है, जो फूड होते हैं वो हम इनटेक नहीं करते हैं। बायोटिन डेफिशिएंसी के जो भी सिम्टम्स है वो है कि एक्सट्रीम लेवल में आपका हेयर फॉल हो सकता है, एंड उसके साथ साथ आपका जो नेल्स है वो भी ब्रिटल हो सकते हैं, एंड नेल हेल्थ भी काफ़ी डिटोरिएट हो सकता है। तो जब आपका नेल्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं, आप अनियन का जूस लगा रहे हैं, तरह तरह के शैम्पू, हेयर ऑयल, कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं, हेयर मास्क, हेयर ट्रीटमेंट्स, बट फिर भी आपको कुछ भी असर नहीं मिल रहा, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, देन आपको बायोटिन डेफिशिएंसी है। आपको अपने डाइट में चेंजेस लाने हैं, आपको अपने डाइट में बायोटिन को इंक्लूड करना है। वो आप नॉर्मल किसी फूड के तौर पे भी बायोटिन को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप बायोटिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अब नॉर्मल फूड मतलब कुछ जैसे नट्स हो गए, फिर एग और काफी सारे प्रोटीन रिच जो दाल होते हैं, इन सब में आपको बायोटिन मिल जाएगी। बट द बेस्ट वे इज टू टेक सप्लीमेंट्स। अब बायोटिन सप्लीमेंट्स के अगर साइड इफेक्ट्स के बारे में मैं बात करूं तो एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि बायोटिन हमारे बॉडी में अगर अधिक मात्रा में या फिर एक्सेस क्वांटिटी में आप अगर ले लेते हैं तो वो वाटर के माध्यम से, वाटर होकर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है ऑटोमेटिकली। तो ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा मात्रा में बायोटिन ले लिया और वो बॉडी में अक्यूमुलेट हो गया और फिर बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, ऐसा नहीं होता है। बायोटिन एक्सट्रीम मात्रा में भी अगर आप ले लेते हैं बाय चांस, तो वो वाटर के माध्यम से हमारे बॉडी से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसमें कोई ऐसे डरने की बात नहीं है कि बायोटिन के अगर आपने एक्सेस में ले लिया, आपको जरूरत ही नहीं है, आपने बायोटिन गलती से ले लिया तो कुछ साइड इफेक्ट वगैरह होगा, कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट एंड दैट्स व्हाई बायोटिन सप्लीमेंट इज द सेफेस्ट सप्लीमेंट टू कंज्यूम। और हाँ, बायोटिन अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको डेफिनेटली अपने हेयर फॉल में चेंजेस नजर आएंगे, हेयर फॉल काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि बायोटिन हमारे हेयर को स्ट्रेंथन करने में काफी मदद करता है। मैं पर्सनली आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ सैटर्न बाय GHC का, ये जो बायोटिन कैप्सूल्स है ये मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड आई एम लविंग दीज कैप्सूल्स। ये इस तरीके के एक कंटेनर में आता है, एंड इसका जो भी प्राइस है, इसका जो भी परचेजिंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, सो मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये वेजिटेरियन है, एलर्जन फ्री है एंड नॉन GMO है। ऑल्सो ये ISO सर्टिफाइड है, इसके अंदर केराटिन की गुडनेस भी आपको मिलेगी, अमाइनो एसिड्स है, एंड इसमें कई सारे मल्टी विटामिन्स भी है। तो एक कैप्सूल लेने से आपके जितनी भी डायटरी प्रॉब्लम्स है ना, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, मतलब काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। ये वेजिटेरियन है, इसमें एलर्जन नहीं है, तो काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट ही आपका हेयर फॉल रुक गया, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा टाइम इसको देना पड़ेगा। बी पेशेंट, यूज दिस फॉर एटलीस्ट अ मंथ, तो आपको चेंजेस नजर आएगा। कोई भी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं आपको एक महीना उसे चलाना पड़ेगा, उसे उसका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नोटिस करने में। तो ये जो सप्लीमेंट है ना, ये आप दिन में एक बार ले सकते हैं। ये जो कंटेनर है इसके अंदर आपको 60 कैप्सूल्स मिलेंगे, और इसे आप 60 दिनों तक, मतलब 60 दिनों तक चला सकते हैं। तो एक ये एक कंटेनर 2 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप किसी भी मील के बाद कंज्यूम कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट, जैसे कि मैं करती हूँ, मैं अपने लंच के बाद मैं इसे ले लेती हूँ, तुरंत बाद नहीं, सिर्फ 1 आवर बाद मैं इस कैप्सूल को लेती हूँ, लंच के 1 आवर बाद, जब आपका पेट पूरा एकदम भरा भी नहीं है और पूरा खाली भी नहीं है, उस स्टेज में मैं इसके लेती हूँ, क्योंकि मुझे एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर मैं एम्प्टी स्टमक कोई भी सप्लीमेंट लेती हूँ
तो मुझे वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए मैं एकदम फुल्ली एम्प्टी भी नहीं लेती और फुल स्टमक में भी मैं नहीं लेती। जब मीडियम मेरा स्टमक फुल होता है उस टाइम मैं इस कैप्सूल को लेती हूँ। तो आप उस तरीके से अपने डाइट में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। हेयर फॉल में चेंजेस आएंगे, हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है एंड हेयर क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। हेयर काफी ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, स्ट्रेंथ ऐड करता है ये आपके बालों पर। सो डेफिनेटली डू ट्राई दिस सैटर्न बाय GHC बायोटिन कैप्सूल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। और इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड या आज के लिए टाइम। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।